तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गेमिंग और कृष्णा में। तो गाइस आपको तो पता होगा कि पिछली एपिसोड में हमने बनाया था एक बीकन, जो कि ना उस खतरनाक मॉन्स्टर को मारने के बाद, उसका नाम है वेदर, तो उसे हमने जी जान से मारा था। हाँ एक बात और, हमने क्रिएटिव मोड का यूज़ किया था, लेकिन उसमें मेरी गलती कोई भी नहीं थी। वो गलती थी सिर्फ इस आर्मर की, सड़े हुए आर्मर की। ये आर्मर एकदम से बेकार है, इसने कभी भी मुझे ढंग से जिताया नहीं, ना रेड में ना वो वेदर से। तो बस एक प्रॉब्लम तो हो गई है, मैंने ना ये घोड़ा और ये ना, इसको तो अपना रेड लगा कारपेट ना दोगे, देखो ऐसे ऐसे, देखो ये देखो रेड कलर का कारपेट पहनाओगे ना तो ना तो इनको कपड़े आसानी से पिन जाएंगे। और गाइस ना मैं क्या कहता कि एक प्रॉब्लम हो गई है, मैंने बहुत सारे लामा पा लिए हैं, घोड़े पा लिए हैं, जैसे कि दो आयरन के घोड़े, एक तो एक डोंकी है, दो गोल्ड के। और गाइस कसम से ये मैंने क्रिएटिव में तो नहीं लिए, लेकिन गाइस कसम से इनमें इतना सारा डायमंड और गोल्ड लगाए ना कि ना बहुत ज़्यादा। शास्त्री बाबा के यहाँ से जितना डायमंड और गोल्ड लाया था उतना सारा खत्म हो गया, हमें माइनिंग करने की भी जरूरत है। तो गाइस आज की प्लानिंग क्या है, आज हम लोग बनाने वाले हैं बीकन टावर। तो गाइस आपको पिछली बार एपिसोड में हमने बताया था कि हम लोग बीकन टावर बनाने वाले हैं, तो गाइस इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना। गाइस आज हम लोग ना बीकन टावर बनाने वाले हैं, इसलिए ना बिना बकवास किए बिना कुछ किए हम लोग बीकन टावर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस मैं क्रिएटिव में क्यों ना रहूँ आप कमेंट में मत लिखना, क्योंकि क्रिएटिव में मैंने सर्वाइवल में मैंने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें मेरी बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने ना सर्वाइवल क्रिएट में बनाने का ही सोचा। सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती हैं इसलिए। तो गाइस सबसे पहले तो आपको क्या करना है तोड़ दिखाता हूँ, बातों में मैंने बहुत जल्दी मार दिया। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक स्टेयर्स रखनी है, यहाँ पे स्टेयर्स मैं पानी के यहाँ पे ही बनाऊंगा, क्योंकि पानी के यहाँ पे मैंने ये लैंड बना लिया है। अभी नीचे देखो, यहाँ पे नीचे मैंने ये गोल्डन ब्लॉक वो डायमंड के ब्लॉक रख दिए हैं। तो गाइस सबसे पहले तो आपको सब बीच में ये रखना है स्टेयर्स, फिर उसके ना उसके पीछे रखनी है एक रेस्टोरेंट टॉर्च, इसका भी फंडा मैं आपको बता दूंगा। फिर स्टेयर्स के रेस्टोरेंट टॉर्च के बगल में ये रखना है, फिर रखना है ये ऐसे ही दो ब्लॉक्स, फिर उनके ऊपर भी ये रखना है, फिर जो जो ये दो स्टेयर्स के बीच में ये लगा देना है, कल कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर बगल में ऐसा ऐसा ये ऐसे दो लगा देना है, फिर से पीछे ऐसे ऐसे लगा देना है। अब फिर से यहाँ पे आ जाओ, ऐसे ही सेम टू सेम चारों तरफ कर देना है, ऐसे ऐसे ऐसा ही चारों तरफ। गाइस जो रेस्टोरेंट टॉर्च का फंडा है वो ये कि इससे लाइट ग्लो करेगी, इसकी वजह से रोशनी भी ज़्यादा होगी। तो गाइस और फिर आपको फिर से ऐसा करना है, यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है गाइस। अब फिर से यहाँ पे ये लगा दो, ये रेस्टोरेंट टॉर्च, ये और फिर ये। और गाइस रात भी हो रही है, कि मैंने ना पहले से बेड रखा है, पूरी प्लानिंग करके रखी है मैंने, फिर ये। और गाइस आप कमेंट किया करो ताकि मुझे ना पता चले कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। अभी यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च रख देते हैं, और गाइस देखो एकदम से कूल लग रहा है, एकदम मस्त हो गया। अभी जल्दी से हम सो जाते हैं, आप कमेंट किया करो कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। हाँ गाइस ऐसा कभी मत सोचना कि मैं कमेंट पढ़ता नहीं हूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, और जिसके अच्छे कमेंट होंगे मैं उसको शॉर्ट आउट दूंगा। और जो डायमंड ब्लॉक रखा है ना उसके ऊपर हमें लगाना है बीकन, दिखाई देता हूँ किस डायमंड ब्लॉक रखा है। ये देखो गाइस ऐसे डायमंड ब्लॉक मैंने रखे हैं, अब क्या करना है, लेना है बीकन, लगा देना है यहाँ पे। अरे ग्लो, अरे अरे यार ये ग्लो कौन कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ओ नो यार, तो गाइस मुझे नीचे से सेटिंग करनी पड़ेगी, अब जल्दी से मैं सेटिंग भी कर लेता हूँ, भागते हैं नीचे। वो क्या है वैसे,
अरे यार लग जाओ ना। गैस पता नहीं क्या हो रहा है यार, शिट। अब लग रहा है गैस तुमको पूरा तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से सब कुछ तोड़ना पड़ेगा। और ना जैसे आपने तो देखा होगा लॉगिन चपाती का भी एक बीकन टावर है, लेकिन हम वैसा तो नहीं बनाने वाले क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा बड़ा है और मस्त है, लेकिन हमें ना वो ऑटोमेटिक बनाने वाले हैं। जैसे कि ना रेड पे और क्लिक करें तो रेड रेड लाइट जल जाएगी, ऐसा ऑटोमेटिक हम लोग बनाने वाले हैं, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। अरे यार अच्छा भाई, अच्छा आप समझ आया। यहाँ पे ना वो एक गोल्ड डायमंड का ब्लॉक नहीं लगा है। अब रखना है बीकन। देखो वैसे एक्टिवेट कर दिया है, अभी आपको ऐसे 6 ब्लॉक लगा देते हैं। क्या यहाँ पे लगाना है? हाँ गाइस यहाँ पे लगाना है। इसे स्टोन को भी रख देते हैं बंद। ऐसा पूरे में फ्लोर डाल देते हैं। गैस चलो आगे बढ़ते हैं। आप क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक लगा दो आप 4 ब्लॉक। अभी बीकर मेरे सामने आ रहा है इसलिए उनको टेंशन लग रही है, तो इसे अभी बंद कर देते हैं, बाद में स्टार्ट कर देंगे। आपको फिर क्या करना है, बैरल्स लेने हैं। बैरल एकदम अपने ऐसे ऊपर की तरफ रखना है, बैरल ऐसे बैरल्स रखने हैं फिर चारों तरफ, एक यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे आपको रख देना है। ये ग्लास है यहाँ पर टूट क्यों नहीं रहा यार, ऐसे टूट चुका है। अब ना ये ब्लॉक जो रखे थे नीचे वो भी तोड़ देते हैं, क्योंकि बैरल रखने के लिए लगाए थे हमने, इसे तोड़ देते हैं। और यार मैंने गलती से वो भी तोड़ दिया। अब एक बैरल यहाँ पे भी लगा देते हैं, एक यहाँ पे, एकदम परफेक्ट कूल लग रहा है। अब देखो गाइस अभी क्या करना है हम लोग को, ये जो है ना स्टेयर्स क्राउच करना है, क्राउच करके स्टेयर्स ऐसे लगा देनी है, ऐसे उल्टी नहीं एकदम सीधी लगा देनी है। और चारों तरफ क्राउच करके ऐसे स्टेयर्स लगा देते हैं। तो वैसे आज का वीडियो पूरा एंड तक देखना वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चारों तरफ स्टेयर्स लगा देते हैं। अरे यार चलो गाइस अब क्या करना है, अब हम लोगों को लगाना है क्राउच करके ये स्टोन। अरे यार बैग क्राउच करके लगाना पड़ेगा, चारों तरफ लगा देंगे फिर कोई टेंशन की बात तो नहीं है। और फिर ऐसे ऐसे पूरे में कर देना, भी ग्रास बीचों का कर रहा है, बहुत लंबा टावर बनाएंगे। इतना लंबा सही रहेगा मेरे ख्याल से, हाँ इतना लंबा सही रहेगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं रहना है मेरे को, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं रहना है, बस इतना बड़ा ठीक रहेगा। अगर जैसा कि मेरे दिमाग में जो डिज़ाइन आ रहा है, अगर मैं वैसे बनाऊंगा तो शायद बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, इसलिए आप पूरा वीडियो एंड तक देख लेना। अभी देखता हूँ दूर से देखता हूँ, अरे ये बीकन तोड़ देते हैं क्योंकि इस बीकन का अभी कुछ काम नहीं है, हम लोग बीकन टावर लगा रहे हैं। चलो इतना ठीक है, अब क्या करना है आपको, अरे एक मैंने ब्लॉक नहीं लगाया। अब आपको एकदम सिंपल सी बात, एक यहाँ पे लगाओ और यहाँ, अरे नहीं यार, अरे नहीं। अब आपको क्या करना है, स्टेयर्स आपको स्टेयर्स लगानी पड़ेगी, एक ऐसे में और एक ऐसे उल्टे में, ऐसा एकदम मस्त लगाना है पड़ेगा आपको। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है फिर यहाँ पे, एकदम से मस्त हो गया है। अब फिर यहाँ पे कर देना है फिर यहाँ पे। और गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो ताकि मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो गाइस अब ऐसा करने के बाद आपको फिर से ऐसा करना है यहाँ पे,
ऐसे चार ब्लॉक रख देना। चार ब्लॉक रखने के बाद फिर से ऐसा करना है, और ट्रैप डोर है ना, ट्रैप डोर यहाँ पे लगा दो डिज़ाइन के तौर पे। ऐसा, और यार यहाँ पे नहीं रखना है यार। अब फिर क्या करना है आपको, फिर से यहाँ पे दो ब्लॉक लगाने हैं। अब देखता हूँ इतना ऊंचा सही है कि नहीं। हाँ इतना ऊंचा सही है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लॉक लगा देना है ऐसा, आपको ब्लॉक लगा देना है। ठीक है, अभी थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मेरे ख्याल से। और यार मैं दूर जा रहा हूँ। अब फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेयर, यहाँ पे तीन तीन लगाने के बाद यहाँ पे भी तीन, फिर यहाँ पे ब्लॉक लगाओ, यहाँ पे भी तीन, यहाँ पे भी तीन, ऐसा कर दिया है। छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं। वैसे तो बड़ा लगाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा ना, ऊपर का कुछ भी दिखेगा नहीं। अभी मैं कर देता हूँ, अगर आप, आपकी ऐसी मर्जी है आप वैसा कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे ऐसे तीन आपको बताया ही है मैंने। यार ये उल्टा क्यों लग जा रहा है यार, शिट। आप कमेंट करना कि मेरे को हॉर्स हाउस बनाना चाहिए, यानी कि घोड़ों का घर। अब आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे ऐसे कर देना है, ऐसे 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 ऐसे, फिर से ऐसा कर देना है। फिर आपको बीच में, बीचों बीच, सिर्फ बीचों बीच यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ना है, फिर उसके ऊपर लगाना है ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। वाह यार कितना मस्त लग रहा है। और ऊपर ट्रैप डोर, फिर ट्रैप डोर, फिर ट्रैप डोर, फिर ट्रैप डोर। वाह यार मस्त लग रहा है। अब बारी है ग्लासिंग और फेंसिंग की। ग्लास कहाँ चलेगा यार, ग्लास, ग्लास आप लोग को यहाँ से लगा, अरे यार यहाँ से लगाना स्टार्ट कर देना है। ऐसा लाइक दिस, ये तोड़ दो, क्योंकि यहाँ से अंदर जाने की जगह होनी चाहिए ना। यहाँ से लगा देते हैं, अंदर जाने के रास्ते के लिए थोड़ी डिजाइनिंग। ऐसा नहीं यार, हाँ कुछ ऐसा ही गेट हो जाएगा। आगे की तरफ गेट रखेंगे तो ज़्यादा डिजाइन अच्छी नहीं होगी, इसलिए पीछे की तरफ गेट। अरे यार रात भी हो गई है। गैस पूरा हो चुका, जल्दी से सो जाते हैं। यहाँ पे बेड सामने यार, कोई यार मेरे बेड चुरा ले जा रहा है यार। अब मुझे अपने मॉडर्न हाउस में सोना पड़ेगा। गैस मैं जल्दी अपना एक एक और न्यू मॉडर्न हाउस बनाने वाला हूँ। सबसे ऊपर ग्लास नहीं लगाने हैं, सबसे ऊपर तो यहाँ पे एक स्टेयर्स रखनी है। और यार मैं चिर गया, हम लोग क्रिएटिव में, सुपरमैन की पावर थोड़ी सी हमने उधार ले ली है। वो बहुत ही खड़ूस सुपरमैन है, हमेशा के लिए सुपर पावर उधार नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी चलेगा। और यहाँ पे ऐसे फ्रेंसेस करनी है,
एकदम विच की टावर की तरह लग रहा है। यहाँ पे ऐसे फ्रांसिस स्टेयर्स स्टेयर्स फिर स्टेयर्स फ्रेंसिंग, बस अब हो जाता है। अब देखो गाइस एकदम से कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस एकदम से कंप्लीट होने के बाद, अरे नहीं यार यहाँ पे भी फ्रेंसिंग करनी, अरे यार यहाँ पे भी फ्रेंसिंग करनी है आपको। इसे तोड़ दो, यहाँ पर ट्रैप डोर। यार मैंने दीवार तोड़ दी यार, मेरे काम धंधे कुछ अनोखे हैं। मैं हर बार दीवारों में छेद कर देता हूँ, कोई किसी की भी दीवार में। यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे भी ट्रैप डोर। अब गाइस देखो कितना मस्त लग रहा है। अब एकदम ऊपर टैप डोर नहीं लगाने को, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है ना। बस एकदम से मस्त हो गया। अब यहाँ पे गेट लगा देते हैं, इसे भर दो। यहाँ पे गेट लगा देते हैं, अंदर जाने की रास्ता। अब हमें गेट लेना पड़ेगा, गेट चलो ले लेते हैं, गेट ऐसा वाला एकदम सेम टू सेम। वाह अंदर जाने के लिए रास्ता, जाने दो ना ऊपर। अरे यार चलो यहाँ पे लैडर लगानी पड़ेगी यार मेरे को, लैडर्स। चलो वैसे ऊपर चले जाएंगे, ऐसे वैसे आ जाएंगे। अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे व्हीकल लगा देनी है। अब बारी आती है, और अरे यार मैंने घंटा ले लिया यार। अब बारी आती है ऑटोमेटिक बनाने की। तो ऑटोमेटिक बनाने के लिए यहाँ पे आपको गड्ढे कर, अरे यार गड्ढे करने थे यार। सेट यार ये क्या हो रहा है, मेरे को रोकना पड़ेगा इस पानी को। रुक चुका होगा ना पानी का एरिया यार। अब गाइस ये रुक चुका है, अब क्या करना है हमें, आगे तो पानी का एरिया नहीं, आगे तो कुछ भी हो जाएगा। चलो अब इसे भी तोड़ देते हैं, यहाँ पे ये लगा दो, ये ये ये। चलो गाइस अब बातें कम करते हैं हम जल्दी से, और उसके लिए हमें चाहिए स्टिकी पिस्टन। स्टिकी पिस्टन हमें यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरह के। अरे यार पिस्टन अपना मुंह घुमाना। अब अरे नहीं यार ऐसा नहीं होगा, कुछ ऐसा, हाँ कुछ ऐसा होगा। फिर एक पिस्टन यहाँ पे रखना है, हाँ अब मैं सब कुछ समझ गया। एक पिस्टन यहाँ पे रखना है, ये रेडस्टोन टॉर्च से ही पिस्टन एक्टिवेट नहीं होगा, उसके तो हम लोग कुछ कर देंगे। अब इस रेस्टोरेंट टॉर्च को भी बंद करना पड़ेगा, उसके लिए तो हमें स्टेयर्स चाहिए होगी, क्योंकि हम लोग वो लीवर बगल में लगा देंगे। बंद हो जाओ, वहाँ पे तो बंद ही हो गई। अब वैसे आपको क्या करना है, अब लगाने हैं रेड और ग्रीन ग्लासेस, रेड और ग्रीन ग्लासेस, ग्रीन ग्लास गिरा और एक गिरा ग्रीन और या रेड। रेड का मतलब होगा वो कोई विले अपनी सिटी से बाहर नहीं जाएगा, और ग्रीन और ना बाहर जाएगा ना आएगा, और ग्रीन का मतलब कोई बाहर जा सकता है और आ सकता है। जैसे कि ये सब होगा जब रेड रेड आ जाएगी ना हमारे यहाँ पे, तब तो इसको तोड़ दो। अब आप ये एकदम मस्त बन चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या बताऊँ, ये एक्टिवेट करेगा या नहीं करेगा मुझे कुछ पता नहीं है, वरना मैं वो ब्लॉक तोड़ दूंगा लीवर। हाँ गाइस अब काम कर रहा है। यहाँ पे भी ये लगा दो डिजाइनिंग के तौर पे, फिर यहाँ पे भी एक ब्लॉक, यार इसको तोड़ दो यार बीच में आ रहा है। फिर यहाँ पे भी स्टेयर्स,
को डिजाइन की तरह अंदर ही लगा दो। चलो फिर क्लिक करना है यहाँ पे भी ब्लॉक स्टेस स्टेस। अरे हाँ यार उल्टा सही लग रहा है, एक उल्टा और एक सीधा। हाँ एक उल्टा और सीधा। चलो गाइस एकदम से मस्त और कूल नज़ारा आ रहा है, और यहाँ पे भी लगा देते हैं डिजाइनिंग की तरफ से। एकदम से हो गया है मस्त। अब क्या करने, अरे यार यहाँ पे भी यहाँ पे भी, वाव यार यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, सब जगह ऐसा उल्टा पुल्टा लगा देना है। एकदम से मस्त हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी लीवर लगा देना है ऐसे। और यहाँ पे अब ये देखो, अब वैसे अगर आपको रेड करना है तो रेड पे लीवर को खींच दो। अब देखो रेड हो गया, अब इसको फिर से वाइट बना देते हैं। अब करते हैं इसको ग्रीन। देखो ग्रीन होगा अभी गाइस, देखो ग्रीन हो चुका है। अब हमें ग्रीन ही रहने देना है, आपकी जैसी मर्जी, आप जैसा करो। अभी मैं थोड़ा सोचता हूँ कि मैं बाहर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। लैडर्स का इस्तेमाल करेंगे ऊपर जाने के लिए। अभी ऊपर जाते हैं, चलो चलो एकदम से हो गया है, एकदम काम परफेक्ट हो चुका है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस तालियां बजाओ। गाइस आज का वीडियो कैसा लगा? अब चलो, अब गाइस जैसे आपको इमरजेंसी रेड आ गई हो तो ना सारे प्लेयर को वो अटेंशन करना हो तो आप जल्दी से भाग के जाओ, शॉट पकड़ो और जल्दी से अंदर जाओ, ऐसे ऐसे जाओ, इसको बंद करो और इसको ओपन करो, थोड़ी देर में हो जाता है। तो गैस हो चुका है, अब मेरे को तो बस ग्रीन रहने देना है। तो गैस ग्रीन कर दिया क्योंकि अभी तो रेड फेड नहीं है, अभी तो ब्लेजर्स भी नहीं है। इसको बंद करो, अरे बंद हो जाना। देखो गैस हमारा ये बन चुका है। अब यहाँ पे थोड़ी डेकोरेशन और लाइनटेन डेकोरेशन पे आते हैं। तो ये बन गए डेकोरेशन के लाइनटेन्स दो, यहाँ पे चारों तरफ लगा देना है। अरे यार चलो एक बार देखता हूँ यहाँ पे स्लैब्स लग सकते हैं क्या। स्लैब्स लगेंगे और अच्छा लगा तो मैं ऐसा आप स्ट्रक्चर कर देना। अरे वाह गाइस ये स्लैब्स तो अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप कर देना स्लैब्स, आप लगा देना आपकी जैसी इच्छा हो आप लगा देना। देखता हूँ, नहीं यार बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, अब लग रहे हैं। अरे वाह यार आप तो एकदम से ललन टॉप लग रहा है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन गया है हमारा बीकन टावर। अभी यहाँ पे भी लगा दो, एकदम ललन टॉप, बहुत ही फर्स्ट क्लास लग रहा है। गैस ये जो स्लैब्स का आइडिया है ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हमको क्या करना है, अभी फ्रेंसेस लगा देनी है। फ्रेंसेस यहाँ पे लगाएंगे, एक फ्रेंस यहाँ पे और लाइन टेन। ये को इसका फंडा मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये स्लैब्स का फंडा ये ज़्यादा बड़ा कर रहा है। फिर हमको बीकन कैसे दिखेगा कि रेड है या ग्रीन है, ऊपर का कुछ दिखेगा ही नहीं ना। को तोड़ दो, अगर ये स्लैब लगाने का आइडिया आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करना, पर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप मत लगाना क्योंकि ये मुझे तो अच्छा नहीं लगा। चलो आप ये लाइन टेंस लगा देते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे चारों तरफ लगा देते हैं, रोशनी होनी चाहिए ना। फिर यहाँ पे
बस हमारा बीकन टावर हो गया, अब चलिए सो जाता हूँ, फिर सुबह दिखाता हूँ आपको। उठ जाओ। तो गाइस देखो, आप एकदम से रेडी हो चुका है, ये देखो कितना मस्त लग रहा है। देखो गाइस देखो कितना मस्त लग रहा है बीकन टावर। और आपको भी पसंद आया तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अभी ना अभी हमारा जादू से कांटेक्ट कर देगा। अगर गाइस जादू हमारे दुनिया में आता है तो बस वो एक ही धुन पे नाचेगा, आ ओ सिर्फ एक ही धुन पे नाचेगा। गाइस आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, हर चीज़ करना इस वीडियो के लिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई है। गाइस आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड